उत्तरकाशी की सिलकियारा के सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के अभियान का आज 15वां दिन है। इन्हें निकालने के लिए पहुंचाई जाने वाली 80 सेंटीमीटर व्यास की आखिरी 10 मीटर की पाइप बिछाने का काम पिछले 3 दिनों से नहीं हो पाया है, क्योंकि ड्रिल करने वाली ऑगर मशीन में बार बार समस्या आ रही है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सोमवार को भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी की चेतावनी भी दी है, जिसकी वजह से बचाव अभियान में और मुश्किलें आ सकती हैं। चलिए हम आपको 10 पॉइंट्स में बताते हैं कि बचाव अभियान में अब तक क्या क्या हुआ और कौन कौन सी चुनौतियां मजदूरों को निकालने की राह में अभी भी सामने खड़ी हैं। पहला, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑगर मशीन के ब्लेड मलबे में फंसने से काम बाधित होने के बाद दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसी बीच शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि श्रमिक अगले महीने यानी कि क्रिसमस तक बाहर आ सकेंगे। दूसरा, मौसम विभाग ने बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी की संभावना भी जताई है। सिलकियारा बड़कोट उत्तरकाशी के वो इलाके हैं जहां भारी बर्फबारी होती है। पहाड़ी मिट्टी होने की वजह से बारिश के बाद हल्की होकर और धंसने लगती है। अगर मौसम विभाग की चेतावनी के हिसाब से यहां बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित होगा। बर्फबारी के बाद बिजली की दिक्कत पैदा हो सकती है, साथ ही ठंड बढ़ने के कारण सुरंग में मजदूरों को भी दिक्कतें होंगी। तीसरा, बचाव अभियान के 14वें दिन शनिवार से ही अधिकारियों ने दो विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया है। मलबे के शेष 10 या 12 मीटर हिस्से में हाथ से ड्रिलिंग या ऊपर की ओर से 86 मीटर नीचे ड्रिलिंग। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसन ने दिल्ली में पत्रकारों से कहा, इस अभियान में लंबा समय लग सकता है। चौथा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार जिस पाइप के अंदर घुसकर मैनुअल ड्रिलिंग की जानी है उसमें पहले से उपकरण डाला गया है जिसे निकाला जा रहा है। उसके बाहर आते ही हाथ से ड्रिलिंग शुरू होगी, जो काफी मेहनत भरी और टाइम टेकिंग प्रक्रिया है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भारी उपकरणों को शनिवार को 1.5 किलोमीटर की पहाड़ी सड़क पर ले जाया जाएगा। इस मार्ग को सीमा सड़क संगठन द्वारा कुछ ही दिनों में तैयार किया गया है। पांचवा, सुरंग के ढह हिस्से की लंबाई करीब 60 मीटर है और ब्लेड के लगभग 20 हिस्से को काट दिया गया है और बाकी काम पूरा करने के लिए हैदराबाद से एक प्लाज्मा कटर हवाई मार्ग से लाया जा रहा है। उन्हें कहा गया है कि ऐसा होने पर मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। छठवां, प्रधानमंत्री मोदी निर्माणाधीन सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राज्य में शुरू किए गए बचाव अभियान के बारे में हर रोज जानकारी ले रहे हैं। ऑगर मशीन से काम बाधित होने के बाद फंसे हुए श्रमिकों के परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। सातवां, श्रमिकों को 6 इंच चौड़े पाइप के जरिए खाना, दवाइयां और अन्य जरूरी चीजें भेजी जा रही हैं। पाइप का उपयोग करके एक कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित किया गया है। इसके जरिए मजदूरों के परिजनों को साथ ही NDRF के चिकित्सकों की टीम भी लगातार बात कर रही है। आठवां, इस पाइप के माध्यम से एक एंडोस्कोपिक कैमरा भी सुरंग में डाला गया है, जिसमें बचाव कर्मी अंदर की स्थिति देख पा रहे हैं। इसके जरिए मजदूरों की स्थिति भी देखी जा रही है। अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं, लेकिन उनका मनोबल अब टूट रहा है। नौवां, चारधाम यात्रा मार्ग पर बन रही सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर दिवाली के दिन को ढह गया था, जिससे उसमें काम कर रहे 41 श्रमिक फंस गए थे। तब से विभिन्न एजेंसियां उन्हें बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। और आखिरी दसवां, अंदर फंसे मजदूरों की मानसिक चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए उनका स्ट्रेस कम करने के लिए बचाव एजेंसियों ने अंदर लूडो और प्लेइंग कार्ड्स भेजा है। इनसे मजदूर खेलकर थोड़े रिलैक्स हो पा रहे हैं। इन श्रमिकों के बाहर निकलने पर इन्हें पास के अस्पताल में ले जाया जाएगा, जहां 41 बेड सुरक्षित रख लिए गए हैं। बचाव स्थल पर 41 एम्बुलेंस पहले से तैयार हैं और मुख्यमंत्री धामी यहां अस्थाई कैंप बनाकर लगातार बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं।